नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा बोरा। दोस्तों, आज हम आपको अष्टांग नमस्कार को कैसे किया जाता है और इससे होने वाले हेल्थ बेनिफिट के बारे में बताएंगे। दोस्तों, अष्टांग नमस्कार शारीरिक संतुलन को बढ़ाने और बॉडी पोस्चर को सुधारने के साथ साथ इस अभ्यास को करने से हमारे कंधे और हमारे बाजू काफ़ी स्ट्रांग बनते हैं और यह सिक्स एब्स को बनाने के लिए यह अभ्यास बहुत ही लाभकारी अभ्यास होता है। दोस्तों, अष्टांग नमस्कार एक ऐसा अभ्यास है जो बॉडी पोस्चर को सुधारने और शारीरिक संतुलन को बढ़ाने का एक बेस्ट अभ्यास होता है। यह सिक्स एब्स को बनाने के लिए भी बहुत ही लाभकारी अभ्यास है। इसे करने से लोअर बैक से संबंधित सभी समस्याएं दूर होती हैं। इस अभ्यास को करने के लिए आपने सबसे पहले ऐसे वज्रासना पर ऐसे बैठ जाना है। फिर आपने धीरे धीरे अपने हाथों को ऐसे जमीन पर ऐसे रखते हुए ऐसे टेबल टॉप की स्थिति पे ऐसे आना है। फिर धीरे धीरे आपने ऐसे आपने प्लैंक पोजीशन में यानी कि चतुरंग दंडासन की पोजीशन पर आना है। 5 से 6 ब्रीथ ऐसे ही होल्ड करके रखें। ऐसे आपका पूरा शरीर, ऐसे आपके शरीर का समस्त भार आपके दोनों हथेलियों पर और आपके पैर के पंजों पर ऐसे रहे। फिर घुटनों को ऐसे और अपनी छाती को और अपनी थोड़ी को ऐसे जमीन पर ऐसे रखते हैं और अपने दो पैर के पंजों को ऐसे जमीन पर ऐसे रखते हुए 30 सेकंड ऐसे ही अष्टांग नमस्कार की पोजिशन पर रहे। दोस्तों, इस अष्टांग नमस्कार में हमारे शरीर के 8 अंग, हमारे पैर के पंजे, हमारी हथेलियां, हमारे घुटने, हमारी छाती, ठोंटी ऐसे जमीन को स्पर्श कर रही होती है। 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही होल्ड करके रखें। फिर इसके बाद आपने ऐसे कोबरा पोज की पोजीशन पर आना है। 5 से 6 ब्रीद होल्ड करके रखते हैं। फिर इसके बाद आपने ऐसे चतुरंग दंडासन यानी कि प्लैंक पोजीशन पर ऐसे आना है। अपने शरीर का भार आपने अपने दोनों कोहनियों पर और पैर के पंजों पर ऐसे रखना है, नॉर्मल ब्रीदिंग। फिर इसके बाद आपने चाइल्ड पोज में रिलैक्स करना है। ऐसे ही अष्टांग नमस्कार को आप 4 से 5 बार होल्ड करके प्रैक्टिस कीजिए। इस अभ्यास को एक बार और प्रैक्टिस कर लें। सबसे पहले आपने ऐसे वज्रासना पर ऐसे बैठ जाना है। फिर आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे जमीन पर ऐसे रखते हुए ऐसे टेबल टॉप की स्थिति पर ऐसे आते हैं। फिर धीरे धीरे ऐसे अपने शरीर चतुरंग दंडासन की पोजिशन पर आना है। 5 से 6 ब्रीद ऐसे ही होल्ड करके रखें। ऐसे आपका पूरा शरीर, ऐसे आपके शरीर का समस्त भार आपके दोनों हथेलियों पर और आपके पैर के पंजों पर ऐसे रहे। फिर इसके बाद अपने दोनों घुटनों को, अपनी छाती को और अपनी ठोड़ी को जमीन पर रखते हुए अपनी दोनों हथेलियों को ऐसे अपने कंधों के पास ऐसे रख लेते हैं और आपके बीच शरीर के बीच वाला हिस्सा ऐसे जमीन से ऐसे उठा हुआ हो, श्वास को रोक कर रखें। फिर इसके बाद आपने कोबरा पोज की पोजीशन पे आते हैं। अपनी दोनों कोहनियों को ऐसे जमीन पर ऐसे रखते हैं और ऐसे प्लैंक पोजीशन में आना है, सीधे देखना है। फिर चाइल्ड पोज में रिलैक्स करना है। और यह अभ्यास आपको कठिन अभ्यासों के लिए भी तैयार करने के लिए अष्टांग नमस्कार बहुत ही अच्छा और सरल अभ्यास है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।